दोस्तों, अगर आप अपने YouTube चैनल के लिए मेरे जैसा बैनर बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक्सल ऐप। आप डायरेक्टली प्ले स्टोर में जाके वहां से पिक्सल ऐप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस एप्लीकेशन की लिंक हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आप बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक अच्छा सा बैनर बना सकते हैं और आप अपने यूट्यूब पर लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सल ऐप एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद डायरेक्टली आपको जाना है 3 डॉट पे, उसके बाद YouTube चैनल बैनर यहां से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको ये जो न्यू टेक्स्ट दिख रहा है इसको डिलीट के ऑप्शन पे डिलीट कर देना है। उसके बाद जाना है आपको कलर के ऑप्शन पे, यहां से आपको कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेना है। अभी हमारे बैनर का बैकग्राउंड बनकर तैयार हो चुका है, तो सबसे पहले आपको प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है और टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इस टेम्पलेट को एडजस्ट करने के लिए रिलेटिव साइज़ पे जाना है और इसको 100% कर देना है। आपको इस टेम्पलेट को उंगली से एडजस्ट नहीं करना है। अगर आप इसको उंगली से एडजस्ट करेंगे तो इस टेम्पलेट का साइज़ बिगड़ सकता है, बाद में आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अभी हमें दोबारा से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से एक PNG सेलेक्ट कर लेना है। तो ये PNG मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अभी इसको क्रॉप करना है, तो चलिए इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं अभी ये क्रॉप हो चुका है। क्रॉप होने के बाद अभी इसको एडजस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका कलर हमें सेलेक्ट करना है, तो कलर के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से मैंने येलो कलर सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप। तो चलिए इसको एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने से पहले इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लेते हैं ताकि ये शेप में अच्छी तरीके से आ सके। तो चलिए इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। अभी इस PNG को स्क्रीन पर अच्छी तरीके से, बैनर पर अच्छी तरीके से मर्ज करने के लिए आपको ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अभी इस PNG को आपको उंगली से स्क्रॉल करते हुए सबसे नीचे ला के रख देना है। तो देख सकते हैं ये स्क्रॉल करते हुए मैंने नीचे इसको रख दिया है। वापस से हम आ जाते हैं बैनर के ऊपर। तो देख सकते हैं अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अभी इसी PNG को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको अच्छे से हम क्रॉप कर लेते हैं ताकि एक और यहाँ से PNG इससे बना सकें। तो चलिए इसको क्रॉप कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये छोटा सा PNG बनकर तैयार हो चुका है। इसको हम इसी जगह पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए एडजस्ट करते हैं। तो इसको अच्छी तरीके से मर्ज करने के लिए आपको ऊपर के ऑप्शन पे क्लिक करना है और इस PNG को स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे लाना है ताकि अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सके। तो देख सकते हैं अभी ये अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुका है। अभी दोबारा से हमें गैलरी में जाना है, तो प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, गैलरी में चलते हैं। तो यहाँ से ये PNG मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद अभी इसको हम बैनर के ऊपर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये PNG अच्छी तरीके से स्क्रीन पर मर्ज नहीं हुआ है, यानी कि बैनर पर मर्ज नहीं हुआ है। मर्ज करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो लेटेस्ट वाला PNG है इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे लाना है उंगली से। तो ये मैंने स्क्रॉल करते हुए नीचे इसको रख दिया है। तो देख सकते हैं अभी ये PNG अच्छी तरीके से स्क्रीन पर मर्ज हो चुका है। यहाँ से हमें प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है, गैलरी में जाना है। यहाँ से आपको कोई एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपने इस बैनर के लिए बना के रखी हो। तो ये फ़ोटो मैंने सेलेक्ट कर ली है। तो चलिए इस फ़ोटो को अच्छी तरीके से स्क्रीन पर, यानी कि बैनर पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये फ़ोटो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो चुकी है। अभी इस फ़ोटो को अच्छा दिखाने के लिए हम स्ट्रोक और शेडो इनेबल कर देते हैं। तो ये दोनों मैंने इनेबल कर दिए हैं, देख सकते हैं आप। तो अभी हमें अपने YouTube चैनल का नाम लिखना है। नाम लिखने के लिए सबसे पहले आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टेक्स्ट पे जाना है। यहाँ से हम लिख लेते हैं टेक्निकल अंकेश जी, ये मेरे YouTube चैनल का नाम है, तो मैंने लिख लिया है। अभी इस टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए फॉन्ट के ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं ये स्टाइलिश अच्छा सा फॉन्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, देख सकते हैं आप, जो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी इस नेम को अच्छा दिखाने के लिए सबसे पहले हम शेडो और स्ट्रोक का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं। तो देख सकते हैं शेडो और स्ट्रोक का ऑप्शन मैंने इनेबल कर दिया है और ये नेम अच्छे से एडजस्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप। तो अभी हमें दोबारा से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है। यहाँ से एक PNG सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने PNG सेलेक्ट कर लिया है और ये अच्छी तरीके से मैंने बैनर के ऊपर एडजस्ट कर दिया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। अभी हमें दोबारा से फ्रॉम गैलरी में जाना है और यहाँ से एक YouTube का लोगो सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए ये मैंने लोगो यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद इसको स्क्रीन पर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो चलिए इसको मैंने एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद अभी इस लोगो को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आपको स्ट्रोक एंड शेडो का ऑप्शन इनेबल कर देना है। तो मैंने शेडो और स्ट्रोक का ऑप्शन दोनों ही इनेबल कर दिए हैं, देख सकते हैं ये लोगो बहुत अच्छा दिख रहा है। मैंने स्क्रीन पर अच्छी तरीके से इसको एडजस्ट कर दिया है।
तो अभी हमें दोबारा से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है, यहाँ से एक PNG सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने PNG सेलेक्ट कर लिया है और ये अच्छी तरीके से मैंने बैनर के ऊपर एडजस्ट कर दिया है, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं आप। दोबारा से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है और फ्रॉम गैलरी में जाना है, यहाँ से एक PNG सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने PNG सेलेक्ट कर लिया है और ये अच्छी तरीके से मैंने बैनर के ऊपर एडजस्ट कर दिया है। वापस से आपको प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ पे लिखना है फॉलो मी हेयर। अभी इस टेक्स्ट को अच्छा सा फॉन्ट देना है। सबसे पहले आपको फॉन्ट के ऑप्शन पे जाना है, यहाँ से कोई भी एक स्टाइलिश फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने ये फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। अभी इस फॉन्ट को कलर देने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं कलर के ऑप्शन पे। तो देख सकते हैं यहाँ से ये मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया है। अभी इस टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रोक का ऑप्शन और शेडो का ऑप्शन इनेबल कर देते हैं। वापस से आपको ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सारे PNGs को लॉक कर देना है, जिन पे आपका काम कंप्लीट हो चुका है उनको लॉक कर देना है। तो वापस से प्लस के आइकॉन पे क्लिक करके गैलरी में जाना है। गैलरी में जाने के बाद यहाँ से आपको सोशल मीडिया का लोगो ले लेना है और स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इस PNG का कलर चेंज कर लेना है। तो कलर के ऑप्शन पे जाके मैंने वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए इस PNG को मैंने अच्छी तरीके से एडजस्ट भी कर दिया है, देख सकते हैं आप। अब हमें लास्ट PNG ऐड करना है, तो प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं, फ्रॉम गैलरी में जाते हैं और यहाँ से एक ट्राइंगल PNG सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने PNG सेलेक्ट कर लिया है। तो चलिए इसको बैनर के ऊपर अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ये मैंने अच्छी तरीके से इस बैनर के ऊपर एडजस्ट कर लिया है। तो देख सकते हैं हमारा बैनर बनकर रेडी हो चुका है। चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो ऊपर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन आपको सेव टू इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कस्टम में जाके यहाँ से आपको अल्ट्रा सेलेक्ट कर लेना है। अल्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा सेव टू गैलरी का, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका जो बैनर है गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों इस बैनर को बनाते समय मैंने जिन जिन PNGs इफेक्ट्स या टेम्पलेट्स का यूज किया है, अगर आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें खुशी मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।